नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बस 48 घंटे से भी कम का इंतजार और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। टीकाकरण अभियान की देश भर में तैयारियां चल ही रही हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण को लेकर बड़ी बैठक की और दिल्ली में टीकाकरण अभियान कैसे आगे बढ़ेगा इसकी पूरी जानकारी दी। 81 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। और देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। 16 जनवरी को पीएम खुद टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज है। कहीं कोवैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो कहीं वैक्सीन की कीमत को लेकर। दवा आ गई है, लिहाजा महामारी की विदाई अब तय है। 2 कंपनियों के वैक्सीन को देश भर के शहरों में पहुंचाया जा रहा है। बस 2 दिन का इंतजार और फिर टीकाकरण के हथियार के वार से उस वायरस को चीन लौटना पड़ सकता है जिसने वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन को भी सियासी सवाल झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, सरकार में कोवैक्सीन के सारे पैरोकारों को सबसे पहले इस वैक्सीन से खुद को सुरक्षित करके उदाहरण पेश करना चाहिए। दरअसल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब जब इस वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है तो कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। मनीष तिवारी ने लिखा, जब तक कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक सरकार को इसे देश भर में नहीं पहुंचाना चाहिए था। सरकार को लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला काम करना चाहिए। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन का रोल आउट ठीक नहीं है। भारत के लोग बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेसियों को क्या हो गया है? ये साइंटिस्ट के भी से ज्यादा इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये कहां से ज्ञान लेकर आए? इतना ज्ञान कांग्रेसी बांट क्यों रहे? क्या देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे ज्यादा दिमाग कांग्रेसियों के पास हो गया है? ये वैक्सीन पर इतना सवाल उठा रहे हैं। ये हर चीज देश पर, देश को गर्व होगा उसको कांग्रेस उस पर सवाल जरूर उठाती है। कोवैक्सीन पर सवाल और कांग्रेस के हमले के बीच आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन को सियासी शीशी में कैद कर लिया है। दिल्ली के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार फ्री में टीका नहीं लगवाती तो दिल्ली सरकार फ्री में टीका लगवाएगी। उधर बंगाल पहुंच रही कोरोना की वैक्सीन सियासत जमात में फंस गई। वर्धमान में कृषि कानूनों के खिलाफ सूबे के मंत्री और जमीयत उलेमा के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने रैली बुलाई थी। रैली में आए मंत्री के समर्थकों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया जिसकी वजह से वैक्सीन लदे ट्रक का रूट बदलना पड़ा। हालांकि मंत्री को जब पता चला कि वैक्सीन का ट्रक फंसा है तो उन्होंने खुद समर्थकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और वैक्सीन वाले ट्रक को बांकुरा जाने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब बीजेपी कह रही है कि मंत्री ने जानबूझकर वैक्सीन के ट्रक का रास्ता रोका। पहले कोरोना को लेकर खूब सियासत हुई,
और अब वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। उम्मीद थी कि महामारी से सबको कुछ न कुछ सबक मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तानी सियासत के आगे कोरोना जैसे वायरस की सबक देने वाली क्षमता क्षीण हो गई। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।